दुर्घटना, अमृतसर। यह वह स्थान है जहां एक ट्रेन ने रावण दहन कार्यक्रम के दौरान ट्रैक पर खड़े लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई थी। धोबी घाट को साफ करके हर साल रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक कपड़े धोने वाले व्यक्ति के अनुसार, पहले कपड़े धोने का काम सुबह 4 बजे से शुरू होता था, लेकिन अब सुबह की रोशनी से पहले कोई भी यहां नहीं आता। इलाके में अफवाहों के अनुसार लोगों ने चीखने और मदद मांगने की आवाजें सुनी, कुछ लोगों ने दरवाजे पर दस्तक देने और पानी मांगने की शिकायत भी की, लेकिन कोई बाहर नहीं मिला। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान, जालंधर। लोगों के मुताबिक वे इस जगह का दौरा करने के बाद एक हफ्ते तक बीमार थे। लोगों ने यह भी बताया है कि इंसान की आकृति और आवाज जैसी अजीबोगरीब नजरों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। बीर तालाब, भटिंडा। सूत्रों के अनुसार बीर तालाब में निर्माण में देरी हुई क्योंकि यहां काम करने वाले मजदूर जिसने भी सफारी में रात बिताई, उसने भूतों की शिकायत की थी। उन्होंने अजीब शोर सुनने की शिकायत की और सूर्यास्त के बाद एक भयानक भावना का अनुभव किया। टैगोर नगर, जालंधर। सूत्रों के अनुसार एक चोटी काटने वाला भूत है जिसे माना जाता है कि वह सोते समय बाल काटता है। इस क्षेत्र में इस तरह की एक घटना हुई थी और महिलाएं काफी सदमे में थीं। शमशान भूमि, पटियाला। इस स्मशान भूमि से सटे सड़क पर रात को यात्रा करने वाले लोगों ने कुछ असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। जो सबसे आम अनुभव किया गया है वह प्रेतवाधित ध्वनि है और ठंडी हवा अचानक उन्हें चेहरे पर मारती है। प्रेतवाधित मकान, उपकार नगर, पटियाला। उपकार नगर में एक घर है जिसे 4 आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित माना जाता है। यहाँ की आत्माओं को हानिकारक नहीं होने की सूचना दी जाती है, लेकिन कभी कभी वे शरारत करते हैं। प्रेतवाधित पीपल का पेड़, धुआ, होशियारपुर। सूत्रों के अनुसार होशियारपुर में एक पीपल का पेड़ है जिसे कई असुर आत्माओं का निवास माना जाता है। कुछ रातों में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है और लोगों का मानना है कि इस पेड़ से गुजरते समय धार्मिक पाठ का जप उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेतवाधित मकान, फिल्लौर। भूतों ने फिल्लौर में एक घर पर किया था हमला। 20 दिन तक पूरा परिवार अपने घर पर ताला लगाकर एक मंदिर में रहने को मजबूर था। परिजनों के अनुसार रसोई घर में पड़े बर्तन हवा में उड़ने लगे और बाहर गिरने लगे। इतना ही नहीं, वाटर कूलर और कपड़ों की भी स्त्री प्रेस परिवार के सदस्यों की ओर उड़ते हुए घर के बाहर गिर गई। यह हादसा इस परिवार के 9 सदस्यों की मौजूदगी में हुआ और यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। रात में जब वे मंदिर की धर्मशाला में सो रहे थे, तब उन पर छोटे छोटे पत्थरों की बारिश हुई। उन्होंने कुछ धर्मगुरुओं से भी बात की जो पूजा अर्चना करने और बुराई से छुटकारा पाने के लिए उनके घर पहुंचे। भूतिया मक्खी, लुधियाना। स्थानीय लोगों के अनुसार एक भूत मक्खी के रूप में आता है और चोटी काट ले जाता है। व्हाट्सएप पर भी इसका जमकर प्रचार किया जा रहा था। ज्यादातर लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम की पत्तियां और शाखाएं बांध रखी थीं। लोगों का मानना है
कि घर के सामने नीम लगाने से भूत घर में प्रवेश नहीं करता है। लुधियाना स्टेशन। बहुत से लोग लुधियाना स्टेशन को भूतिया मानते हैं। रेलवे के एक कर्मचारी ने स्टेशन के एक कमरे में आत्महत्या कर ली। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि वहां अकेले होने के बावजूद वे हमेशा किसी की उपस्थिति को महसूस करते हैं।